इंडियन टीम के विकेटकीपर बैटर ईशान किशन आखिरकार मैदान पर लौट गए हैं। ईशान करीब 3 महीने बाद कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हुए नजर आए हैं डीवाई पाटिल T20 कप में। ईशान ने पिछले साल के आखिर में साउथ अफ्रीका टूर के दौरान ब्रेक लिया था, इसके बाद से ही वो मैदान पर नजर नहीं आए थे। तभी से ईशान लगातार विवादों में है। हालांकि 27 फरवरी को ईशान किशन डीवाई पाटिल T20 कप 2024 में RBI की टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आए। इस मैच में ईशान विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतरे। हालांकि इस मैच में वो कुछ खास नहीं कर पाए और 11 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हो गए और मैच में उनकी टीम को 89 रन से हार का सामना करना पड़ा। आपको बताएं, ईशान की इस मैच में बैटिंग करते हुए वीडियो उनकी IPL टीम मुंबई इंडियंस ने भी शेयर की और साथ में लिखा, उनके जोन में, उनके रिदम में और उनके मूल तत्व में। अब आपको ईशान के साथ चल रहा विवाद एक बार फिर से याद दिला देते हैं। दरअसल साउथ अफ्रीकी टूर के दौरान ईशान ने मानसिक थकान के चलते घर लौटने की इच्छा जताई थी, जिसके चलते उनको स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया था। इस ब्रेक के बाद किसी को नहीं पता था कि ईशान कहाँ है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेला और इस बीच जब इंडिया और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज चल रही थी तब टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ से भी ईशान पर सवाल हुए। ईशान की टीम इंडिया में वापसी पर द्रविड़ ने कहा था, मैं बस ईशान किशन के मसले पर और जोर नहीं देना चाहता, मैंने इस मसले को जितना हो सके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उन्होंने ब्रेक मांगा था, हम उन्हें ब्रेक देने में खुश थे, जब भी वो तैयार हो। मैंने ये नहीं कहा कि उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना होगा, मैंने कहा कि जब भी वो तैयार हो उन्हें थोड़ा क्रिकेट खेलकर वापसी करनी होगी, पसंद उनकी है, हम उन्हें कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम उनसे संपर्क में हैं। इन सब के बीच ईशान की उनके MI के कैप्टन हार्दिक पांड्या और उनके भाई कृणाल पांड्या के साथ बड़ौदा में प्रैक्टिस करते हुए कुछ फोटो सामने आई थी और अब ईशान ने अपने MI कैप्टन हार्दिक पांड्या के साथ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना भी शुरू कर दिया है। हालांकि दोनों अलग अलग टीम से खेल रहे हैं, हार्दिक रिलायंस की ओर से और ईशान RBI की ओर से, और साथ में IPL की शुरुआत 22 मार्च से होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं गरिमा, स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।